आज हमने आपको तीन अलग अलग कैंप साइट्स दिखाई अलग अलग लोकेशंस पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम आए हैं आज ऋषिकेश क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें ईमेल्स मिल रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आपने तो ऋषिकेश में ऑप्शंस दिखाना ही बंद कर दिया है। और जैसे ही वीकेंड होता है तो लोगों को यहाँ आना ही होता है। ऑप्शंस एक्चुअली हमने जो जितने भी दिखाए हैं, लोगों का यही कहना है कि उनके रेट्स लगभग 3 गुना बढ़ चुके हैं। और ये सच्चाई है, सर्विसेज नहीं बढ़ी हैं, एमिनिटीज़ नहीं बढ़ी हैं, लेकिन रेट्स बढ़ गए हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं आज कुछ और खोज करने की। लेकिन क्योंकि देखिए, होटल्स तो मुझे लगता है अब बहुत ही कम हैं जो बजट में होंगे। बजट इन द सेंस लाइक अगर हम कोई हमसे 5,000-6,000 में भी कुछ मांगता है ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या अच्छा ऑप्शन दें। तो मुझे लगता है कि कुछ बजट में ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर आगे शिवपुरी, जैसा कि आप जानते ही हैं, वहाँ पर क्योंकि कैंप्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ अच्छी कैंप साइट्स हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जो भीड़ भाड़ से अलग हों, बजट भी अच्छा हो। और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा सा बजट और लोकेशन दोनों ही हम डिफरेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कितने ऑप्शंस आपको दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश से थोड़ा आगे शिवपुरी और नीलकंठ साइड पर। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि हम कुछ अलग ढूंढेंगे, तो हम अलग ढूंढते हुए यहाँ एक नदी के पास आ गए हैं। ये गंगा जी नहीं है, पर ये नदी आगे जाकर गंगा जी में ही मिलती है। ये ऊपर से चंबा की तरफ से आती है, लेकिन नदी के पास अगर कैंप्स होते हैं ना, तो उनका मज़ा खैर अलग ही हो जाता है। हालाँकि हमें साफ़ सफ़ाई का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये हम रास्ता में आपको वैसे हमने दिखाया है, पर काफ़ी लोगों को फिर भी समझ नहीं आया होगा। शिवपुरी जब आप आते हैं तो जो शिवपुरी का ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे से आपको यूटर्न लेके जहाँ पर अभी कर्णप्रयाग की रेलवे टनल बन रही है, उस तरफ आपको आना है। रास्ता जैसे ही आप, क्योंकि जब टनल की तरफ आप आते हैं, अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप आ सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी अलग जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे रास्ते ही ढूंढने पड़ते हैं जो जहाँ हर कोई ना पहुँच पाए। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कैंप्स के, अच्छा ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढते हैं। शिवपुरी ब्रिज से लगभग 2 किलोमीटर हम अंदर आए हैं। अभी सामने कुछ अल्पाइन टेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं। इनफैक्ट इसमें क्योंकि वॉशरूम्स भी आपको कॉमन मिलते हैं, तो हम चाह रहे हैं जब इतना ऑफ रोडिंग कर लिया तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ ऊपर भी एक रास्ता दिख रहा है हमें और यहाँ पर कुछ लग्जरी कैंप्स लिखे हुए हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं, शायद कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाए। हम जस्ट 100 मीटर ऊपर आए हैं और यहाँ पर हमें ये ओरा रिवर रिजॉर्ट दिख रहा है। थोड़ा सा ग्रीनरी भी है यहाँ पर, इसलिए मुझे लोकेशन अच्छी लग रही है। चलकर देखते हैं कैंप्स किस तरह के हैं इनके। सबसे पहले देखो, अब कैंप तो मुझे पसंद आ गया क्योंकि हमें यहाँ जूली मिल गई। यहाँ एक और है, टाइगर भी है इसके साथ। टाइगर को भी बुलाओ, टाइगर से भी मिलेंगे हम। बहुत अच्छी जगह लग रही है क्योंकि जैसे ही हम लोग एंटर किया हमने, यहाँ पे मुझे ग्रीनरी दिख गई और आपको पता है मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है। चलो जूली घूम के आते हैं।
कैंप साइट्स पर जैसे कि हमें एक्टिविटीज तो मिलती हैं, यहाँ पर क्रिकेट और बैडमिंटन मिल गए हैं, ये बहुत अच्छा है। साथ ही यहाँ पर हमें डीजे सेटअप भी दिख रहा है, तो इवनिंग में जैसा कि यहाँ पर पार्टीज सभी कैंप साइट्स में होती ही हैं, हालांकि हम फेवर में नहीं होते हैं ज़्यादा लाउड म्यूज़िक के, क्योंकि उससे बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है, तो हमें लाइट म्यूज़िक पसंद है। लेकिन काफ़ी लोग जो कैंप साइट्स पर आते हैं उन्हें डीजे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन पीछे यहाँ पर देखिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बैम्बू ट्रीज दिख रहे हैं हमें पीछे, पूरा कैंप्स के पीछे ही है, तो यहाँ पर आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एकदम डायरेक्ट धूप भी नहीं आती होगी, तो गर्मी नहीं लगेगी आपको। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गर्मी फील हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर देखिए स्विमिंग पूल मिल जाता है। ओवरऑल हमें बाहर का एम्बियंस अच्छा लगा है, और हमें यहाँ पर प्रकाश भैया मिले हैं जिनसे हमने पूछा है किस तरह के कैंप्स हैं। यहाँ पर कुछ कॉटेज भी मुझे दिख रहे हैं, तो इन्होंने बताया है कि इनके पास 17 कैंप्स और 3 कॉटेजेस हैं, जिसमें 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ तक पर पर्सन आपको इंक्लूडिंग ऑल मील्स का पैकेज मिलता है। बाकी डिस्काउंट तो आप ले ही लेंगे, रेफरेंस हमारा दे सकते हैं आप। किस तरह के कैंप्स और कॉटेजेस हैं वो हम आपको एक एक दिखाते हैं। सभी कैंप्स में कूलर दिख रहे हैं हमें, तो चलिए पहले हम आपको कैंप दिखाते हैं उसके बाद कॉटेज। तो इस कॉटेज में मुझे 6 लोगों के लिए बेडिंग दिख रही है, मैट्रेस अच्छे हैं आपके, सॉफ्ट हैं, एंड इवन बेडशीट्स भी मुझे नीट एंड क्लीन दिख रही है, जो ज्यादातर कैंप्स में हमें नहीं मिलती है। स्पेशियस है, बड़ा है, 2 फैन अंदर दिए हुए हैं, और कूलर तो जैसे कि हमें दिख ही रहा है, और सबसे अच्छी बात कि अटैच वॉशरूम है। कैंप की तरह वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है, बट क्योंकि कमोड एक ही है इसलिए 6 लोग अगर एक साथ रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन लगानी पड़ेगी। इसी तरह से इनके पास 7 बेडेड और 4 बेडेड मिनिमम में आपको कैंप्स मिल जाते हैं, तो जिस तरह की ऑक्यूपेंसी होती है, लाइक अगर आप 4 लोगों का ग्रुप है या 6-7, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैंप चूज कर सकते हैं। कॉटेज किस तरह का है वो देखते हैं। यहाँ कॉटेज में मुझे एसी भी दिख रहा है, बेडिंग बहुत अच्छी है, और कूलर भी है, तो दोनों ऑप्शंस हैं, इवन तीनों, फैन भी है, एसी, कूलर, सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर भी 4 लोगों के लिए बेडिंग है, तो आप अकॉर्डिंगली अकोमोडेट हो सकते हैं, और साथ में वॉशरूम। तो हम अभी कैलकुलेट कर रहे थे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि वीकेंड्स पर अगर हम ऋषिकेश में होटल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इन्होंने हमें रीकन्फर्म किया है कि 2000 रुपीज़ पर पर्सन से ज़्यादा यहाँ पर बजट नहीं जाएगा आपका, जिसमें आपको सारे मील्स मिलते हैं, प्लस जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर हम 4 लोगों के हिसाब से कॉटेज का ही कैलकुलेट करें तो 8000 रुपीज़ में आपको 4 लोगों के लिए विद ऑल मील्स वन नाइट का आपको चार्ज पड़ता है, विच इज़ लेस देन अ होटल रूम। तो चलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाया है, मिडिल रेंज कह सकते हैं इसको, कुछ और देखते हैं अगर हमें इससे ज़्यादा रीजनेबल मिले, या अगर महंगा भी मिलेगा तो वो अच्छा भी होना चाहिए, तो चलिए चलते हैं। और देखिए बारिश शुरू हो गई है, हम लोग अपने फर्स्ट कैंप से दूसरी साइड पर आए हैं, होटल ग्रैंड तपोवन से जब आप एक ऊपर की तरफ रोड आता है तो वहीं से ये रास्ता है,
लगभग 2 किलोमीटर हम अंदर आए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप दिख रहे हैं, लेकिन पानी जा रहा है यहाँ से, तो हम पानी के साथ साथ नीचे तक चलते हैं और बहुत जो सीनरी है ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो हम नीचे वाली साइड पर जाते हैं जहाँ पर कुछ और कैंप्स हमें दिख रहे हैं। तो हमने गाड़ी यहीं पर पार्क कर दी है और नीचे चलते हैं। अब वेदर बहुत प्लेजेंट हो गया है। हम दूसरी साइड पर आए हैं और यहाँ क्योंकि नीचे की तरफ था ये, इनके पास यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स हमें दिख रहे हैं, ग्रीनरी भी दिख रही है, सिटिंग भी है और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो हमें पता चल गया यहाँ पर किस तरह के इनके कैंप्स हैं। ओम कैंपिंग के नाम से है ये साइट। आजकल हमारे हमें कैंप्स में ना ये वाइट लिनन देखने को मिल रहा है, तो ये विच इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि इससे ना एकदम से पता चल जाता है कि साफ है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 लोगों के लिए बेडिंग दिख रही है, इवन ये क्लॉथ भी इन्होंने नीट एंड क्लीन लगाया हुआ है। यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, कूलर है और अटैच वॉशरूम। ये इनका डाइनिंग एरिया है। आज वेदर बहुत प्लेजेंट हो गया है और बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे वेदर को एंजॉय करने के लिए ना आप या तो रिजॉर्ट्स में ही रहें या फिर जैसे कैंप साइट्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको क्योंकि ओपन एरिया बहुत मिल जाता है तो यहाँ पर आप इसको फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो कैफेटेरिया से थोड़ा सा ऊपर जाके इन्होंने कुछ ऊपर कॉटेजेस बनाए हुए हैं, तो वो कॉटेजेस किस तरह के हैं वो भी देख लेते हैं। काफ़ी ऊपर आ गए हैं क्योंकि एक फ्लोर नीचे भी था और यहाँ पर ग्लासेस दिख रहे हैं मुझे बाहर से, तो आई एम श्योर कॉटेजेस तो अच्छे होंगे और व्यू भी अच्छा मिलेगा यहाँ से। अरे वाह, यहाँ भी एसी कॉटेज मिल गए हैं, तो यहाँ फ़ैन है, एसी है और 4 बेडेड यहाँ पर भी हमें मिल गया है, साथ में अटैच वॉशरूम। और देखिए ये है इन कॉटेजेस का फ़ायदा कि यहाँ पर ये जो ग्लास दिया हुआ है ना, इसकी वजह से आपको अपने बेड से व्यू मिल जाएगा, जैसा कि जनरली सभी लोगों को होटल में भी ऐसे रूम चाहिए होते हैं जहाँ से उन्हें व्यू मिल जाए। साइट तो मुझे अच्छी लगी है, लेकिन टैरिफ जो है उन्होंने बताया हमें कैंप्स का, इन्होंने बोला है कि ऑफ सीज़न में 1000 रुपीज़ तक इन्होंने बताया है 4 शेयरिंग में, और जैसे जैसे शेयरिंग बढ़ती जाती है टैरिफ कम होता जाता है। इसी तरह से जो कॉटेजेस का बताया है इन्होंने वो ऑफ सीज़न में 1500, सीज़न में थोड़ा सा बढ़ जाता है ये, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इतने सारे कैंप्स हैं, आपको थोड़ा सा क्वालिटी वाइज एक तो हमें देखना होता है, अगर क्वालिटी वाइज अच्छा है, अगर 100-200 रुपये ज़्यादा भी देने पड़े तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन बेस्ट डील्स के लिए हमेशा आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स देते हैं और OT एक्सपर्ट का रेफरेंस ज़रूर दें ताकि इन्हें पता चल जाए कि आपने वीडियो देखा है तभी आपने इन्हें कॉन्टैक्ट किया है। तो चलिए शिवपुरी में तो हमने 2 लोकेशंस आपको ऐसी दिखा दी हैं, अब चलते हैं घट्टूघाट साइड पर क्योंकि वहां पर भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। और फायदा ये हो जाता है कि जब आप बैराज वाली रोड से आते हैं ना तो आपको इस तरफ नहीं आना होता है, फिर वहीं से वहीं आप आगे चले जाते हैं नीलकंठ रोड की तरफ। बहुत सुंदर कैंप हमें नीचे दिख रहे हैं, तो यहीं पर चलते हैं। तो हम कैंप्स के पास आ गए हैं, यहाँ पे हमें आसपास काफी सारे कैंप्स दिख रहे हैं, बट ब्यूटीफाई बहुत अच्छे किया हुआ है इन्होंने। तो ये सबसे लास्ट में हमें मिला है पाम वैली कैंप।
इसको देखते हैं ये कैसा है। पाम ट्रीज भी लगाए हुए हैं इन्होंने। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पाम वैली रिजॉर्ट में और एडवेंचरिया पाम वैली। कैंप साइट बहुत अच्छी है क्योंकि एक तो ये सबसे एंड में है, रिवर के पास है और आज मौसम ने जो ज़बरदस्त इसको और बेहतरीन बना दिया है, मज़ा आ गया। यहाँ पर इतने सारे जो इन्होंने पाम ट्रीज लगाए हुए हैं ये एक अलग ही लुक दे रहा है, बहुत अच्छा सा। कैंप किस तरह के हैं वो देखते हैं। बाहर से हमें दिख रहा है कि गर्मियों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कूलर्स आपको मिल जाते हैं। आज बारिश रुक ही नहीं रही है। यहाँ भी हमें स्विमिंग पूल मिल गया है, बैडमिंटन खेलने के लिए नेट भी है, वॉलीबॉल बैडमिंटन आप खेल सकते हैं। ओपन एरिया ज़्यादातर कैंप साइट्स पे होता ही है। ये हम इनके कैफेटेरिया एरिया में आ गए हैं और स्विमिंग पूल के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर ओपन सेटिंग है, फैन दिया हुआ है, टीवी भी है, तो बैठकर आराम से आप यहाँ पर अपनी मील्स ले सकते हैं। हवा बहुत तेज़ चल गई है और आज तो मौसम एकदम ठंडा हो गया है। वैसे ऐसे वेदर में कैंपिंग का मज़ा है अपना, ठंडा ठंडा वेदर इन्जॉय करो, बारिश को यहाँ बाहर से, यहाँ से बैठकर ही बाहर इतना सुंदर मौसम लग रहा है। और कैंप्स दिखाते हैं आपको इनके किस तरह के कैंप्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने दो डबल बेड्स डाले हुए हैं कैंप्स में। अंदर ये सेटअप देखने से थोड़ा मुझे तो नया लग रहा है, फ़ैन दिया हुआ है, कूलर है ही यहाँ पर, अब तो ब्लैंकेट वाला टाइम आ गया है। अटैच वॉशरूम है, अब वॉशरूम मुझे ठीक लग रहा है इनका, काफ़ी स्पेशियस भी है और क्लीन भी लग रहा है। और देखिए अगर टैरिफ की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर इतने सारे कैंप्स हैं, हम तो इसे कैंप कॉलोनी बुलाते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने अभी हमें बताया है कि 1300 से 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाता है, डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी कैसी है, कम होगी तो आई एम श्योर इससे भी कम आपको मिल सकता है। उसके लिए रेफरेंस ज़रूर दें वीडियो का, OTA एक्सपर्ट का डिस्काउंट आपको अच्छा मिलेगा। इस कैंप की जो ब्यूटी है वो तो है रिवर, तो हम चलिए रिवर तक आपको लेकर चलते हैं। तो हम जस्ट 50 मीटर्स वॉक करके आए हैं और हम पहुंच गए हैं रिवर तक। ये एक्चुअली बरसात जितनी ज़्यादा होती है रिवर में आपको फ्लो उतना ज़्यादा मिलता है, और इस नदी को वैसे हेवल नदी के नाम से जाना जाता है, और बारिश जब होती है बरसात के सीज़न में तो पानी यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं रिवर में, और इसकी वजह से ही क्योंकि यहाँ इतने सारे जो कैंप्स हैं क्राउड बट जाता है, तो आपको दूर दूर तक लोग इसमें दिखाई देते हैं। तो देखिए लंच का टाइम हो गया है और हमें लगा कि यहीं पर हमें लंच कर लेना चाहिए, तो हमारे लिए लंच भी रेडी हो गया है जिसमें कि मिक्स वेज, गर्मा गर्म फुलके, दाल राइस, ये हमारा फेवरेट है, इससे ज़्यादा हम खा भी नहीं पाते हैं, तो जल्दी से हम गर्मा गर्म लंच करते हैं। तो आज हमने आपको तीन अलग अलग कैंप साइट्स दिखाई अलग अलग लोकेशंस पर, तो ओवरऑल मैं तीनों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो सबसे पहले हमने आपको ओरा दिखाई वो शिवपुरी में ही है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ बीट उसको कह सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी कैंप साइट्स की, और वहाँ पर कॉर्पोरेट्स के लिए मुझे लगा अच्छा अच्छी जगह है। हाँ, कैंप्स जैसे कि हम कहते हैं कि फैमिलीज़ के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो हमने सेकंड आपको कैंप साइट दिखाई ओम जिसका नाम था, वहाँ पर हम ओनर से मिले और वहाँ पर ओनर की फैमिली भी रहती है, तो वहाँ एक मुझे लगा कि जो उनके कॉटेजेस वाला पार्ट है वहाँ पर आप फैमिली को लेकर जा सकते हैं। और जैसा कि हम शुरू में ही हमने आपको बोला कि होटल्स आजकल इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि पूरी फैमिली के साथ होटल में रहना आजकल बहुत महंगा पड़ता है, और होटल्स में आपको वो जो बॉक्स वाली फीलिंग आती है वो रिजॉर्ट वाला नेचर वो नहीं मिलता है आपको, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको मिल सकती है। तीसरी कैंप साइट जो हम घट्टू घाट में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स हैं तो ढूंढना उसमें से चूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम ये काम आपके लिए करते हैं। पाम वैली में मुझे एक तो अच्छा ये लगा, सबसे लास्ट कैंप है, इसके बाद आगे कोई कैंप साइट नहीं है, और आने के लिए अप्रोचेबल रोड है,
गाड़ी आप लेकर आ सकते हैं। वैसे गाड़ी आप वहाँ तक भी लेकर गए थे, तीनों कैंप साइट्स में हमें पार्किंग का इशू नहीं आया, आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ऊंचा नीचा देखो होता ही है क्योंकि हिली एरिया है, नदी बिल्कुल पास में है यहाँ पर, तीनों में हमें स्विमिंग पूल मिले हैं। लेकिन यहाँ मुझे नेचर ज़्यादा मिली क्योंकि एकदम पूरा ऐसे लग रहा है मैं जंगल के बीचों बीच हूँ। तो ये चीज़ आपको मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो आज मैंने तीन साइट्स दिखाई हैं आपको, तीनों में कुछ ना कुछ अलग मिला है, और ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। तो मुझे लगता है आज का हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है और आप लोगों के बहुत काम आने वाला है नेक्स्ट वीकेंड पर, तो आप बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, तीनों के नंबर्स वहाँ पर हैं। और इसी तरह से हम आपको ऑप्शंस देते रहेंगे, अच्छी अच्छी जगह घुमाते रहेंगे। उसके लिए जो सबसे पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे नए वीडियोज़ के। और जो हमेशा देखते हैं धन्यवाद उनका, और इसी तरह से देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और कॉमेंट ज़रूर करें। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।